ओके, हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर? क्या सर? फायर कितना टाइप का होता है? फायर तो सर ऐसे देखा जाए तो 4 क्लास है सर उसका, फायर का। एक क्लास में जो होता है मतलब वो लकड़ा, बर्तन, ऑयली स्लज ऐसा जो होता है, मतलब वो मतलब सूखा वाला घास, ग्रास वो सब। तो बी में सर वो होता है जो मतलब ऑयली स्लज वो सब, और सी में गैसेस होता है। डी में तो सर डी में मतलब हमारा जो हाइड्रो हाइड्रोकार्बन जो ले मतलब होता है ना सर, इससे जो मतलब आग लगता है, फायर होता है, तो वो फोम फोम के द्वारा उसको बुझाने जा जा सकता है मतलब। ओके, ये फायर पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, फायर पॉइंट यस। सर, फायर पॉइंट तो मतलब हमारा इधर के मतलब फायर डिपार्टमेंट है वही सर, फायर पॉइंट है। बाकी जो फायर का जो हम लोकेशन दिया हुआ है, फायर का जो अलार्म रखा है, पीए सिस्टम, एनसीपी और मत पैनल जो रखा है, इसका डिटेक्शन रखा है, तो फायर पॉइंट प्लान का फायर पॉइंट है। एमसीपी क्या है? एनसीपी मैनुअल कोल्ड पॉइंट है सर, हर प्लांट में इसको रखा जा सकता है। जैसे कि इसका केबल सीधा ही पैनल से लेके फायर स्टेशन में इसका पैनल में इसका पैनल रखा जाता है। हर ऑफिस फायर ऑपरेटर उधर पे देखता है, मेन ऑफिस के कंट्रोल रूम है जो फायर का, तो उसका एनसीपी एक मतलब मैनुअल कोल्ड पॉइंट है, वो हर प्लांट में 200 मीटर की दूरी में रखा जाता है। अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो इसमें एक छोटा सा ग्लास होता है और हेमर होता है, तो हेमर से जोर से ऐसे अगर इमरजेंसी कोई हुआ तो हेमर से जोर से इसको थोड़ा ग्लास को ब्रोकन कर लेता है। ग्लास ब्रोकन होगा तो सर उसमें से मतलब डिटेक्ट हो जाएगा, तो सीधा फायर स्टेशन में उसका अलार्म बजेगा और फायर स्टेशन वाला सीधा उसका लोकेशन पे आ जाएगा, जहाँ पे आग है इधर पे मतलब जहाँ पे मतलब एनसीपी टूटा है इधर पे आ जाएगा। वो फायर फायर मेन मेन कौन पॉइंट का